चंद्रमा मतलब अब नाम से पता चल गया आपको कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ऊपर आकाश में जो चंद्रमामा है, जिसको कि हम चंद्रमा भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, मून। तो ये तो मंजू और मनोरे क्या कर रहे हैं, ये लोग रात को घूम रहे हैं। तभी अपनी मम्मी से पूछते, मम्मी आज आकाश में जो है ये जो चंद्रमा है, ये कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, कभी गोल होता है, कभी छोटा होता है, कभी बहुत बड़ा होता है, तो उसके बारे में आपको कुछ पता है तो हमें बताइए। तो मम्मी बोलती है कि ये जो है इसको चंद्रमा कहते हैं, और ये जो पृथ्वी की जो धुरी है उसके चारों तरफ ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ घूमती है, और ये चंद्रमा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उस साथ ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, अपने ये धुरी अपने ये जगह पे पूरा दिन रात घूमती रहती है, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। परंतु सूर्य एक ही स्थान में, लेकिन जो सूर्य जो है, जो धूप है, जो सन है, वो क्या है, ये जो सन है आपका, ये क्या है, ये अपने जगह पे नहीं घूमता। ये क्या है, सन, ये अपने ही जगह पे खड़ा रहता है, ये नहीं घूमता है। कौन घूमता है, ये पृथ्वी, ये जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो आपका नहीं घूमता, ठीक है। तो जिस दिन जो सूर्य का जो प्रकाश है, रोशनी है, वो चंद्रमा की तरफ आता है, तो उस दिन जो है बहुत उजाला होता है। जिस दिन उसका शेड थोड़ा कम होता है तो उस दिन हाफ होता है, कम दिखाई देता है। और जिस दिन बहुत पूरा ही उसको ढक लेता है, तब उस दिन हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अंधेरा होता है। और जिस दिन अंधेरा होता है उस दिन को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। और जिस दिन फुल मून होता है उस दिन को हम क्या कहते हैं, पूर्णमासी, ठीक है, जिसमें फुल मून होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करती है। 27 डेज लगाती है ये चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमने में, ठीक। फिर बोल रहे हैं कि जो ये जो दृश्य होता है, ये जो टाइम होता है जब बहुत ज्यादा उजाला दिखता है, बहुत ज्यादा पूर्णिमा होता है, उस दिन बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है कि पूरा जो है संसार में जो है क्या हुआ, लाइट ही लाइट हो गया, इतना उजाला होता है जिस दिन पूर्णमासी होता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि चंद्रमा में जो है नाक है, उसका कान है, या बुढ़िया जो है चक्के चला रही है। लेकिन जब साइंटिस्ट लोग वहां गए तो साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि वहां पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं और धूल ही धूल है। और धूल जी भी कैसा है, डस्ट भी कैसा है, राख का कलर है, ऐश कलर का है। जैसा कि वो आग जलाते ना हम लोग, तो उसमें घर में जो आग जो राख बनता है वो जिसका उसका कलर जो होता है कैसा होता है, ग्रे कलर का, तो वैसा रंग का बिल्कुल धूले धूले चंद्रमा में वहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब उसके वहां पर ना पेड़ पौधे हैं, ना ऑक्सीजन है, कुछ नहीं है। तो वास्तव में जो है चंद्रमा जो हमको बहुत सुंदर दिखाई देता है, वैसे वास्तव में वहां पर इतना सुंदर नहीं है। तो मम्मी बोलती है कि ये जो चांद है, आज आपने चांद के बारे में कई अनोखी बात बताई, अब मैं जो हूँ और जो ये मनोर और मंजू क्या कह रहे अपनी मम्मी को कि आज आपने बहुत अच्छे से चीजें बताई हमको चंद्रमा के बारे में, अब हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सब बातें शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या बोल रहे हैं कि अपने मन में इसमें लेसन क्या है कि अगर आपके मन में कोई भी क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा विचार उठ रहे हैं कि उसके बारे में कैसा होगा, वो कैसा होगा, चंद्रमा कैसा होगा, सन कैसा होगा, वो कैसे करते होंगे, कब चक्कर लगाते होंगे, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती है, वो क्या काम करते होंगे, वो कैसा होगा दिखने में, तो अगर आपको ऐसा कोई क्यूरियोसिटी है, कोई विचार आपके मन में उठ रहा है, हाँ विचार निकल रहे हैं, तो आप जो है अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से, या अपने टीचर से उसको पूछ के आप अपना क्लियर कर सकते हैं। आपको जो जो मन में विचार है उसके बारे में आप पूछ सकते हो, अपना शिक्षा यानी कि आप जो है उससे आपको अच्छा अच्छा आपको जो शिक्षा मिल सकता है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने जो है अच्छी तरह से लर्न करना है। मैं नेक्स्ट टाइम इंट्रोडक्ट क्लास में ना इसको और अच्छा डिटेल से समझाऊंगी, ओके, ठीक है, थैंक यू।